वैसे हमने तो सोचा था कि हम यहाँ आएंगे अभिषेक की पार्टी में, अभिषेक से गले मिलेंगे, उससे हैप्पी दिवाली विश करेंगे, लेकिन आपकी वाइफ तो आपको दो मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही है। गले पड़ गई। अगर उनके साथ रोमांस खत्म हो गया हो तो दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा रोमांस कर लो। अच्छा Let's do it. असा संभालिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। क्यारा की मॉम का कॉल। बार बार कॉल कर रही है पूछने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं। How sweet of her. स्वीट नहीं, केयरफुल मदा। हाँ हम बच्चों के ही साथ हैं। ओके बाय। आंटी और क्रैकर्स हैं? हाँ है ना बेटा, कितने सारे क्रैकर हैं। बेटा तुम्हारी मम्मी ने बहुत सारे क्रैकर्स भेजे हैं, आप लोग पूरी रात भी जलाओ ना तो भी खत्म नहीं होंगे। आंटी ने क्रैकर्स नहीं भेजे, मैं लाया हूँ क्रैकर्स। आंटी ने मुझे फोन करके बता दिया था तो मैं यहाँ आ गया प्यारे के साथ खेलने के लिए। मैंने तो कहा था ना कि मैं क्रैकर्स लाऊंगी, पर तुमने तो कहा था थोड़े से रहेंगे और फिर चलेंगे घर। ठीक है तो जलाते चल। पंडित जी ये लीजिए। हाँ बेटा। जी और कितना समय लगेगा, सबको बुलाना भी है। बेटा अभी थोड़ी देर में मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, फिर आप सबको बुला लीजिए। अच्छी बात है। जी तुम्हारी चाची और तरुण नहीं है? हाँ वो चाची कह रही थी दिवाली है तो घर ऐसे ही नहीं छोड़ेंगी, थोड़े दिए भी जला कर फिर आएंगे वो दोनों। किसे ढूंढ रहे? सनी और कियारा कहाँ है? वो दोनों अपने फ्रेंड रुद्राक्ष के घर गए। रुद्राक्ष के घर क्यों गए? कियारा तो हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने वाली थी, पता नहीं क्या जरूरत थी। आई नो, पर आपको इन बच्चों का पता है ना, जो मन में आता है वो करते। ऐसे भी कियारा तो आपकी तरह मूडी है, अचानक से सनी को फोन कर दिया और कह दिया आ जा। और तुमने जानी थी बच्चों को ना दिवाली के दिन घर पर रहना चाहिए। थैंक गॉड कियारा किसी तरह से अपने फ्रेंड के यहाँ चली गई, और शायद पटाखों वगैरह की वजह से मुझे मिस भी नहीं कर। जैसे ही यहाँ दिवाली की पूजा खत्म होगी मैं उसके पास चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप इतना टेंशन मत लीजिए, पूरब जी गए हैं बच्चों के पास, ले आएंगे जल्दी से। रियली? फिर ठीक है। इससे पहले कि पूरब बच्चों को लेकर यहाँ आए मैं कोई बहाना बनाकर जल्दी यहाँ से निकल जाती। हैप्पी? वेरी वेरी हैप्पी। देखो ऐसे लग रहा है आज किंग खुद ही पूजा करने वाला। बहुत मीन है, कितना मजाक उड़ाते हैं उनका, इतने भी बुरे नहीं है वो। तो कितने हैं? हैं? बिल्कुल भी नहीं। पंडित जी। जी। पूजा की सारी सामग्री है ना? देख के बताता हूँ। हाँ देखिए सर। पंडित जी ये क्या पर्चों की दुकान खोल के बैठे हो, पूजा शुरू करो ना जल्दी। जी पूजा में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए इसलिए सब देख रहा हूँ, कुछ आया है या बाकी है। ठीक है मैं शुरू की। चक्री भी जलानी है। अच्छा ठीक है लेकिन सिर्फ 5 मिनट। ओके चलो जल्दी जल्दी। तुम ठीक हो? वो अचानक जल गई तो मैं डर गया। अच्छा आप चलें? मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ। हेलो हाँ गाड़ी ले आओ। आता हूँ सर। चलें? मुझे और पटाखे जलाने थे पर क्या ना इसे जल्दी जाने की। सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, बस थोड़ी देर के लिए बुलाया था और सोचा एक पैकेट क्रैकर का खत्म करके चली गई, पर तुम्हारे जाने का मन नहीं है। आप एंजॉय करूंगा तो बोलूंगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है आप दोनों लड़ो मत, थोड़ा एंजॉय यहाँ पर किया है बाकी एंजॉय वहाँ कर लेंगे। सिंगल दिवाली डबल धमाल। चलो गाड़ी में बैठो। थैंक यू बच्चों को बुलाने के लिए, अब थोड़ा घर पे भी सेलिब्रेट कर ले, बच्चों के बिना दिवाली थोड़ी अधूरी लगती है। वो तो है, हमें बहुत अच्छा लगा बच्चे आए तो। आप लोग दोबारा आइएगा। जी जरूर, और आप भी भाभी जी के साथ आइए। श्योर थैंक यू बाय सी यू।
चलो बैठो बैठो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आज बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है दिवाली के इस पावन शुभ अवसर पर दिवाली की आरती यदि घर की बहू के हाथों से किया जाए तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। पंडित जी लक्ष्मी तो बहुत है लेकिन बहू का इस घर में निवास होगा कि नहीं ये बताइए। पंडित जी जी आपने दादी के सवाल का जवाब नहीं दिया। बेटी मैं इनके सवाल का तात्पर्य ही नहीं समझ पाया तो उसका जवाब कैसे दूं। दरअसल उनके कहने का ये मतलब है कि अगर इस घर की बहू इस पूजा की शुरुआत करती है तो क्या वो हमेशा इस घर में रहेंगे। यदि दिवाली की आरती का शुभारंभ अपने पति के साथ करती है तो पति का साथ तो रहेगा ही उसके साथ ही साथ अपने ससुराल वालों का भी प्यार मान सम्मान हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। पर हाँ इस बात का ख्याल रहे दिवाली की आरती का शुभारंभ पति के हाथ से ही होना चाहिए। मतलब कुछ भी करके मुझे जीजू और प्रज्ञा दी को एक साथ आरती करवानी पड़ेगी। पर ये है ना जीजू की दुमछल्ली अगर दी की जगह इसने जीजू के साथ आरती कर ली तो इससे कभी पीछा नहीं छूटेगा। परिवार के सभी सदस्यों को और मेहमानों को बुला लीजिए मुहूर्त आरंभ भी होने वाला है। जी ठीक है पंडित जी सब लोग आगे आ जाइए पूजा का समय हो गया। आइए। ओम सुमकस्य एकदंतस्य कपिलोगज कर्णकाय लंबोदरस्य विक्तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु दुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादश शैतान नामानि पठे छुड़यादपि। पूरब जी आए नहीं अब तक बच्चों के साथ। आरती के लिए आप सब लोग आगे आ जाइए। अगर इस घर की बहू इस पूजा की शुरुआत करती है तो क्या वो हमेशा इस घर में रहेंगे। यदि दिवाली की आरती का शुभारंभ अपने पति के साथ करती है तो पति का साथ तो रहेगा ही उसके साथ ही साथ अपने ससुराल वालों का भी प्यार मान सम्मान हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। ये आरती की थाली घर की बहू को दीजिए। पंडित जी मुझे दे दीजिए। मैं शुरुआत करूं? तुम इस घर की बहू नहीं हो। मिताली वो भी इसी घर की बहू है। थाली उसे दे दो। आरती ये करे या तनु इस बात से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है बस आरती प्रज्ञा के हाथों नहीं होनी चाहिए। तो ये दिशा की चाल थी आरती अभी और प्रज्ञा से करवाने की।
बोलो सियावर रामचंद्र की। दिवाली की पूजा संपन्न हुई। पूजा के साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो गया। अब अयोध्या में उनके स्वागमन के लिए उनके भव्य स्वागत की तैयारी शुरू कीजिए। आज दिवाली और एक भी बार मुझसे बात नहीं की। फिर नहीं उठाया। फाइन तरुण, अगर तुम्हारे पास मुझसे बात करने का टाइम नहीं ना, तो मेरे पास भी तुम्हें कॉल करने का टाइम नहीं। फाइन, एक लास्ट टाइम ट्राई कर। अगर अब तुमने फोन नहीं उठाया ना, तो आई प्रॉमिस अब शादी तक बात नहीं करूंगी। भी फोन नहीं उठाया, ऐसा तो कभी नहीं करता है तरुण। आई होप तरुण ठीक हो। क्या करूं? अच्छा सुपरमैन, मैं सनी के साथ पटाखे जलाने जाऊं, मम्मा से बाद में मिलवाऊंगी, चलेगा? चलेगा नहीं, तुम्हारी मम्मा की तरह दौड़ेगा। तो पार्टी कब तक चलेगी? कि बोर हो रहे हो क्या? अरे नहीं, मुझे घर जाके अपनी एक से तुम्हें तो मुझे एक स्पेशल गेस्ट से मिला। कहाँ है स्पेशल गेस्ट? वन सेकंड। वो यही थी, मैंने कहा चली गई। नेवर माइंड, स्पेशल है तो स्पेशल मौका ढूंढ लेंगे उससे मिलने के लिए। हम पटाखे चलाने चले, लेकिन उससे पहले पापा से पूछना पड़ेगा। पटाखे अभी अंकल, आप तो सनी की फिक्र उठ के ना। डोंट वरी, इसे कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना इसके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं बेटा, इनका कहने का ये मतलब है कि आप बाहर जाके पटाखे मत जलाइए। अच्छा ठीक है, तो फिर घर के अंदर ही जला लेते ना। अरे गार्डन एरिया में सेफ भी रहेगी सबके बीच में। बेटा अगर आप यहाँ पर पटाखे चलाओगे ना, तो यहाँ पे लोग सेफ नहीं रहेंगे। घर में इतना डेकोरेशन हुआ है ना, तो अगर डेकोरेशन में आग लग गई तो एक्सीडेंट हो सकता है। करेक्ट, एक्सीडेंट हो सकता है, आग लग सकती है। आंटी प्लीज। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, आप दोनों बाहर जाओ, मैं पटाखे लेके आता हूँ। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।